ये है इंडिया गेट, और जैसे कि आप देख सकते हो साइड के यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है। चलो आपको थोड़ी सी और नॉलेज देते हैं। अगर ये पिंक कलर का पत्थर दे रहे हो तो ये लाल किला पत्थर भी बोलते हैं या पिंक स्टोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारा गुलाबी रंग का पत्थर होता है। तो ये है अक्षरधाम मंदिर जो सामने से हम गुजर रहे हैं, और ये जो पत्थर लगा हुआ है ये पत्थर को हम बोलते हैं धौलपुर, उसी में कार्विंग शायद की गई है। उसकी तो कार्विंग नहीं है, बट बाउंड्री वॉल जो है वो धौलपुर पत्थर की थी। बाकी अंदर से कैसा है, मैं एक बार गया था लेकिन काफ़ी छोटा था, लेकिन अंदर से काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए, अगर एक्चुअल में इंडियन आर्किटेक्चर देखना है तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई देगा। और केरला में भी टेम्पल्स हैं लेकिन वहाँ मैं कभी गया नहीं, कभी मौका मिला नहीं। तो भाई अब हम हैं हाईवे पे, और जो कि अब मेरठ एक्सप्रेस वे यहाँ से शुरू हो जाता है, और ये पुल बन रहा है, अब ये दिखाता हूँ। ये होते हैं पॉकेट प्लांटर्स बेसिकली, जो आप अगर चाहो तो अपने दीवारों पर लगा सकते हो। ईजी टू मेनटेन, ईजी टू क्लीन होते हैं, काफ़ी सही चीज़ है। अब देखो क्रैशिंग साइट आ गई है, और यहाँ एरोप्लेन गिर गया है। ये देखो एरोप्लेन खेतों में उतर गया, देख रहे हो तुम। बेसिकली यार मजाक कर रहा हूँ, ये गिरा नहीं है, ये कोई ना कोई खरीद के लाया होगा। ये जंग के आड़ से आपको मिल जाते हैं। अब इसमें आप जनरली क्या करते हैं, होटल वगैरह खोल देते हैं कि अंदर प्लेन वाली फील आ जाए, तो इसीलिए यहाँ रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये गिर गया, मजाक कर रहा हूँ। आई होप यार प्लेन गिरे ही ना। तो बस ये है कि होटल की थीम पर कोई डाल रहा होगा, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसे एक दो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे एरोप्लेन वाला थीम पर काम चल रहा है। हम पहुंच चुके हैं आधे रास्ते में, और करीब करीब 2 घंटे, मतलब 2 hours 47 का रास्ता अभी बचा हुआ, और 141 किलोमीटर अभी हमें और जाना है। तो अब हम आए खाने के स्टेज पे। तो हमने जगह ऐसी चुनी है जहाँ पे मैं इंटीरियर्स और एक्सटीरियर को लेकर आपको काफ़ी चीज़ें सिखा पाऊँगा, तो अब आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। अब भाई ये बीकानेर वाला है, इधर KFC, और ये बेसिकली एक फूड कोर्ट है जहाँ पे है, और बहुत सही चीज़ है। और ये ऊपर टाइम स्क्वायर देख रहे हो, अब जिसको पता है, जो यहाँ पे तुर्रम खा है, वो मुझे ये बताए कि ये किस चीज़ से बना है। बाकी कमेंट पे तो मैं डाल ही दूंगा, मुझे तो पता ही है किस चीज़ से बना हुआ है। चलो थोड़ा सा वो कराते हैं आपको, मुहैया कराते हैं मुहैया कि क्या क्या होता है यहाँ पे। ये बेसिकली चाय वाला ठेला देख रहे हो, बड़ा सही तरीके से बनाया हुआ है। चलो पास जाके देखते हैं क्या है इसमें। तो अब बेसिकली ये बना हुआ है फाइबर शीट से, जिसको बाद में पेंट किया गया है गन पेंट से। अब पता कैसे लग रहा है, जॉइंट्स देख के ईजिली पता लग सकता है कि ये फाइबर शीट है। तो ये बनाने का सिंपल सा तरीका है, MS का स्ट्रक्चर, MS में केज लो और केज के थ्रू इसको बना दो, और उसके ऊपर फाइबर कसते चले जाओ। एलिवेटेड है ये, नीचे रस्टिक फिनिश टाइल्स लगी हुई है यहाँ पे, जो कि एंटीस्किड है। अब एंटीस्किड पता कैसे लगता है, इसके अंदर ये रफेज होती है। जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो ध्यान से गौर करना, रीज़न बींग इसलिए क्योंकि जो मैं आपको ये दिखाऊंगा एक्सटीरियर में, ये आप घर के अंदर भी कर सकते हो। अभी कई बार क्या होता है ना, एलुमिनियम में भी, जैसे अब आप UPVC विंडोज़ लगाते हो या वुडन के डोर फ्रेम्स लगाते हो, लेकिन ब्लैक प्रोफाइल में अगर एल्यूमिनियम लगा लो तो बहुत सस्ते पड़ जाते हैं, करीब 150-200 रुपये स्क्वायर फीट में सारा काम हो जाता है, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन मटेरियल। अभी हो सकता है रेट शायद थोड़े बढ़े हों, क्योंकि हाल फिलहाल महंगे एल्यूमिनियम और उसके लोहे के रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अगर बेडरूम में कॉर्नर एल शेप में विंडो है या स्लाइडर्स लगाने वाले हो, तो वाइट में कभी मत लगना, नहीं तो कॉमर्शियल केमिस्ट की जो शॉप होती है वैसे टाइप की फील देता है। तो देखो, और एक्चुअल में जो ब्लैक की आजकल एल्यूमिनियम की प्रोफाइल चल रही है, वो 1200-1300 रुपये स्क्वायर फीट आता है, जबकि यहाँ पर मोटी प्रोफाइल लगी हुई है। पास से मैं आपको दिखा देता हूँ, देख रहे हो, ये बड़ी प्रोफाइल्स के साथ है। तो अगेन ये क्रिएटिविटी है कि आप अगर पाउडर कोटेड में ब्लैक लोगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, बजाय उसके कि भाई आपने वाइट कलर ले लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर पैसे बचाने तो ब्लैक में जाना, नहीं तो फिर UPVC और एल्यूमिनियम के जो हैवी फ्रेम्स आ रहे हैं वो हो ही रहा है। देखो ये, देखो एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, अभी नॉर्मल ग्रेनाइट की पट्टी में SS का इनले कर दिया, जिससे कि ग्रिप भी मिल जाए, रैंप में आपकी नी पे इफेक्ट भी ना आए, एजड लोग ईजिली चल पाएंगे। ये स्टेनलेस स्टील है, 304 ग्रेड का। पता कैसे लगाना है कि ओरिजिनल है, पता कैसे लगाना है ओरिजिनल है कि फेक है, हमेशा स्टैंप देखो। ये देख, देखो ये मैं आपको स्टैंप दिखाता हूँ, इधर देखो ऐसे स्टैंप लिखा होगा, ये है जिंदल 304। तो इसमें दो ग्रेड आती है बेसिकली, दो ग्रेड में कौन कौन सी होगी, 304 और 202। 304 मतलब कि हो गया आउटडोर के लिए स्टेनलेस स्टील, 202 हमेशा इनडोर। अब ये धूप में बारिश में गलेगा नहीं, रस्टिंग नहीं आएगी, तो महंगा भी, लेकिन ये बहुत होता है। तो आपको अक्सर स्कैम कर देते हैं इसके अंदर कि 304 बोल के 202 लगा देते हैं, क्योंकि दिखने में दोनों सेम है, पता नहीं लगा सकते, पता लगाने का तरीका केमिकल टेस्टिंग से ही है। और ये भाई अपना अगेन MS में बनाया हुआ गिटार, इसमें आ गई रस्टिंग, पेंट करना ज़रूरी था। और ये बेसिकली ग्लास प्रोफाइल्स हैं, जम्बो ग्लास बोलते हैं इसको हम। और वो जो उधर देख रहे हो, जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, वो है आपका स्पाइडर बोलते हैं इसको, जो कि चार ग्लास को आपस में होल्ड करके रखता है। तो आ जाओ अब आपको और भी अंदर इंटीरियर दिखाते हैं। तो
भाई ये मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ का इंटीरियर ज़बरदस्त होता है, बहुत सही होता है। अब देखो मैंने आपको बाहर एक दिखाया था कॉस्ट कटिंग में एल्यूमिनियम के दरवाजे और वो कैसे बनाया था, ये वो महंगे वाला आइटम है जहाँ पे वो 1150-1200 रुपये पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आता है। देखो ये सारा एल्यूमिनियम में बना हुआ, देख रहे हो सारा एल्यूमिनियम, और इसके अंदर ये इधर डाला प्रोफाइल लाइट जिससे कि ये लिटअप हो, देखने में सुंदर हो। बाकी ऊपर ये यार हॉट एयर बलून, मुझे कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, थोड़ा क्रिएटिव है। होता है ना कॉस्ट कटिंग करना है, कॉस्ट कटिंग का तरीका ऊपर है, ये होती है पीसीबी शीट पॉलीकार्बोनेट, इसकी लाइफ होती है 10 साल की और ख़राब नहीं होता है और रेट भी काफ़ी कम है। शीट की आई थिंक कॉस्ट आती है करीब करीब 65 से 70 रुपये, 65-70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, ये सिर्फ शीट की रेट है। बाकी इंस्टॉलेशन MSK पाइप लगते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, केज स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। बाकी क्रिएटिव चीज़ें अच्छी है जिसमें भी कि अच्छा लग रहा है देखने में। और अगर आपका फर्नीचर का शोरूम है तो देखो आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, अभी इस फ्लोर में ये डेक बना हुआ है उठा के, मतलब कि कोई चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ जहाँ पे ये एक स्टॉल बना हुआ है, देख रहे हो सीधा फ्लोर पे रखा हुआ है, तो उतनी कोई फील नहीं आएगी। तो अगर आपको किसी चीज़ को शोरूम है या कुछ भी आप रख रहे हो हाईलाइट करने वाले, तो उसको फ्लोर से उठा के रखो, तब ज़्यादा सुंदर लगता है। तो भाई अब चलते हैं ज़रा इधर, आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूँ, फिर लग रही है भूख। ये पाइन वुड है हमारी एंड दिस इज़ कोरियन, ये कोरियन यार बड़ा मस्त चीज़ होता है, मतलब प्योर वाइट रहता है, इससे आप मंदिर या आपने किसी शेल्फ पे या कंसोल टेबल पे लगाओ बहुत सही है, लेकिन हाँ महंगा भी बहुत है, 750-800 रुपये स्क्वायर फिट आता है। कंपनी होती है इसकी डुपोंट, कोरी, सैमसंग, LG, ये कंपनियाँ बनाती हैं। और इसकी खासियत क्या होती है, देखो इसकी खासियत होती है ये और ये बेसिकली एक जॉइंट है, लेकिन कभी पता नहीं चलेगा कि ये जॉइंट है। तो बाकी और सॉफ्ट फॉल सीलिंग है, देखो अब ये फॉल सीलिंग आप वेस्टेज से भी बना सकते हो, नॉर्मल MS का फ्रेमिंग करो, रॉ सीलिंग है ये, ऊपर देख रहे हो छत बिल्कुल दिखाई दे रही है, बस मैट फिनिश का पेंट करो, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा मैट फिनिश होना ही चाहिए। अब ये पाइन वुड के लकड़ी हैं, कटी कटाई हैं, कहीं से वेस्टेज उठाओ यहाँ लाओ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रैंडम लगा दो, सब बढ़िया लगता है। मेन चीज़ का ध्यान रखना लाइटिंग, वीडियो नहीं देखी तो लाइटिंग देखना, इंटीरियर कोच वाले चैनल पे मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे जाओ, वहाँ लाइटिंग कि घर के अंदर लाइटिंग कैसे डालेंगे, घर बहुत सुंदर दिखाई दे। 10 से 12 हज़ार के लाइट का सेटअप है ये वाला, और बाकी सारी सीलिंग पाइन वुड में है, वॉल पैनल्स पाइन वुड में है, बाकी तो नॉर्मल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो मैं आपको बता रहा था दूसरे इसके स्लॉट में आया, दूसरे पार्ट में, इसमें भी सेम चीज़ है डक्टिंग वाली, देख रहे हो ये डक्टिंग डाला है और उसमें पेंट कर दिया है, दैट्स इट, नहीं पेंट नहीं, इसमें जैकेटिंग है, जैकेट आती है इसकी बनी बनाई, वो डाल दो। ये आपके एक्रिलिक के लेटर्स बनते हैं, ये एक्रिलिक है, ये कोरियन हो गया आपका अगेन, ये देखो ये वेन्स कोटिंग जो मैं मोल्डिंग कहता रहता हूँ ना, ये वो और बाकी एक ग्रीन ग्रास का कंसेप्ट डाला है, कुछ सीलिंग में छुपाना हो तो ग्रीन ग्रास डाल के ऐसे कर दो। एक ग्रीन ग्रास की कीमत है 65-75 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट। ये ब्रिक की टाइल क्लैड है आपकी, और जो मैं आपको ACP बता रहा था ये होता है ACP, दिस इज़ ACP, ठीक है। शीट होती है 3 mm, 4 mm में भी आती है, ये इसमें सिलिकॉन भरा जाता है बीच में, जो अगर हम कॉरपोरेट एरिया में जाते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं जहाँ ग्लास और ऐसे पैनल लगे होते हैं, उसे ACP शीट बोलते हैं, और बाकी शीशा होता है उसमें भी ग्लास आते हैं, सिंगल ग्लास, डबल ग्लास, हाइट बढ़ती जाएगी उस हिसाब से ग्लास डलते जाएंगे। तो ACP शीट मुझे बड़ी प्यारी लगती है, घरों में कॉस्ट कटिंग करती है, कीमत बहुत सस्ती पड़ती है। अगर आप पूरी पैनलिंग कराओगे इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन लेबर मिला के, तो ये आ रही करीब करीब का कॉस्टिंग आएगा 200-220 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास चल जाएगा। बाकी स्केलिंग बहुत अच्छे से सेट करी है, अगर ग्लास की विड्थ चौड़ी कर देते यहाँ पे तो उतना मज़ा नहीं आता, इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ सेक्शंस रखे हैं, एक बहुत ही सेट स्केलिंग है, इसलिए कहता हूँ ना आर्किटेक्ट की आर्ट होती है स्केलिंग, तो वो ये स्केलिंग यही है। अगर ज़्यादा चौड़ा ग्लास रखते तो गंदा लगता, ज़्यादा पतला रखते तो बहुत मैसी होती, तो स्केलिंग बहुत सही तरीके से रखी गई है, परफेक्ट। भाई ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है, और ये भी पैनलिंग दिखा, ये पाइन वुड की पैनलिंग हो रखी है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो पता है फ़ायदा क्या होता है पाइन वुड की पैनलिंग का, इसमें देखो नॉर्मली पैनलिंग करते हैं उसमें क्या होता है कि भाई आपको प्लाई लगानी है, फिर वीनियर लगाना है, फिर पॉलिश करनी है, पाइन वुड के केस में ऐसे नहीं है, सीधा सीधा लकड़ लाओ, ठोको, पॉलिश करो, कहानी खत्म, तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। और ये पाइन वुड के प्लैंक फिनिश जाते हैं ऑलरेडी मार्केट में, अगर आप रॉ चाहो तो रॉ लुक में रख सकते हो, जैसे कि ये है रॉ लुक, मैट फिनिश सीधा सीधा आके ठोका हुआ है, ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता, देखने में अच्छा लगता है। पॉलिश फिनिश में आपको दिखाई चुका हूँ, बाकी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर कुछ नहीं समझ आया तो क्या है, ये मेटल चेयर्स और बस, तो ठीक है। अभी अक्सर लोग ये पूछेंगे कि यार ये छोटे छोटे बल्ब हैं इनका फ़ायदा क्या होने वाला है, इसका फ़ायदा क्या, तो वो एक्चुअल में दिखाता हूँ। देखो उधर वो नंबर ऑफ लाइटिंग्स देख रहे हो जो उधर टंगी हुई है, अगर रात का व्यू होता तो और सुंदर आपको दिखाई देता, क्योंकि रात में सुंदर दिखेगा, तो अगर आप दूर वहाँ देख पा रहे हो ना तो वो दूसरा पार्ट है उसका, रिफ्लेक्शन नहीं है, वो नंबर ऑफ लाइटिंग बहुत सारी दिख रही है,
तो ये बल्ब जो है टंगस्टन बल्ब बोलते हैं इसको, ये बल्ब जो है ना रात में ऐसा लगता है कि स्टार्स लगे हुए हैं, और हाइट अच्छी है, लेकिन ध्यान रखना दोनों का डिस्टेंस बीच में 1.5 फुट के आसपास होना चाहिए, 2 फुट से नीचे नीचे, 1 फुट से ऊपर ऊपर। इससे ज़्यादा हो गए तो बल्ब्स बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत पास हो जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें स्टार्स के इफेक्ट के लिए चौड़ाई है वो देनी पड़ती है। अब भाई और आपको थोड़ा टेक्निकल देता हूँ, ये फायर की लाइन है, ये इसकी ब्रांच लाइन है, और ये जो स्प्रिंकलर देख रहे हो ये फ्लेक्सिबल स्प्रिंकलर है। जैसे हम कई बार फ्लैट रेनोवेट करते हैं ना, तो हमें बोलना पड़ता है जाके मेंटेनेंस में कि जी वो फायर की लाइन है, कहे नहीं जी वो तो कट के नीचे होगी। दो टाइप के होते हैं फायर दो टाइप के स्प्रिंकलर होता है। स्प्रिंकलर कैसे बोलते हैं, जिसमें से पानी आता है। तो स्प्रिंकलर दो टाइप के होते हैं, एक रिजिड, एक फ्लेक्सिबल। ये वाला फ्लेक्सिबल है, पता कैसे लग रहा है, इसका पाइप देख रहे हो। तो कभी भी घर में अगर काम करा रहे हो तो हमेशा पाइप फ्लेक्सिबल डलवाओ, इससे फायदा क्या होता है, स्प्रिंकलर की पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हो। नहीं तो फ्लैट्स के अंदर होता क्या है ना, उसकी वजह से, स्प्रिंकलर की पोजीशन की वजह से हमारी फॉल सीलिंग नहीं हो पाती है। और फिर कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं जी ऊपर नहीं होगा, नीचे नहीं हो पाएगा, वो इसलिए क्योंकि उन्हें काम बचाना होता है, टाइम बचाना होता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। आई थिंक मुझे लगता है मैंने अब सब कवर कर लिया है तुम्हारा इंटीरियर कोच ने। तो आई थिंक सब सॉर्टेड है, और कुछ मिलेगा तो करा देंगे यार, टेंशन क्या है। अब मिलते हैं नेक्स्ट, अब भूख लग रही है, खाना खाने दो यार। तो भाई अब पेट पूजा हो गई है, तो अब चल रहे हैं बाहर की तरफ, देखते हैं अगर कुछ और एक्सीडेंट इंटीरियर बताने लायक होगा तो वो भी बता देंगे। तो भाई ये बेसिकली पहले तो दिखा देता हूँ HPL साइड से कैसे दिखता है, ये इसकी टक्कर होती है, यहाँ से पता चलता है ACP शीट पतली होती है, HPL मोटी होती है। ये भाई अगेन नीचे है ना, ये ग्रेनाइट ही है, लेकिन ये जलाया हुआ है, मतलब सैंड ब्लास्टेड है। अब क्या है कि ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, टाइल लगा नहीं सकते, लगा भी सकते हैं उखड़ जाएगी, लेकिन ग्रेनाइट की फील देनी है तो सैंड ब्लास्ट करते हैं। सैंड ब्लास्ट क्या होता है, बेसिकली जब आग लगा, मतलब आपने देखा होगा ना वेल्डिंग करते जैसे आग निकलती है बहुत सारी, तो उसको ऐसे 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 करते जाओ और ये जल जाएगा। अब आपको बेसिकली PVC फॉल सीलिंग दिखा देता हूँ, वॉशरूम के अंदर है, तो कि अगर PVC पैनलिंग किसी को करानी है, वॉशरूम में कई बार होता है ना ग्रिड सीलिंग की जगह कुछ और करा सकते हैं, तो चलो यहीं से देख लो, ये रही ये छत में इसमें PVC पैनल डला हुआ है। इसकी कॉस्टिंग आती है करीब 70-75 रुपये स्क्वायर फिट। अब देखो जो मैं कह रहा था ना ACP, ये HPL है लेकिन ये है ACP, क्योंकि इसमें सिलिकॉन डाला हुआ है बीच में, ये काले रंग का सिलिकॉन है। तो ये ACP है, ये HPL है, वो फिनिश चाहिए, फिनिश दोनों की सेम है, टच करने में सेम है, तो इसलिए मैं कहूँगा ACP में जाओ। बस ACP में दिक्कत क्या होती है ना, ग्रूव्स होते हैं तो वो थोड़े अच्छे नहीं लगते। अब HPL की जो कॉस्टिंग आती है वो आती है करीब करीब, मान के चलो अच्छी ब्रांडेड में कराना, लोकल में मत कराना, क्योंकि लोकल के कलर फेड हो जाते हैं, तो ये भी ब्रांडेड है इसलिए अच्छी टिकी हुई है, तो उसकी कॉस्टिंग आती है करीब 300-350, लोकल वाले की 200-250 की आएगी, वो मत कराना। तो ये HPL आ गई 350 फुट, और ACP आ गई आपकी करीब करीब 220 रुपये स्क्वायर फिट। अब हम कर रहे हैं भाई रैप अप, जा रहे हैं वापस देहरादून के लिए निकलना, काफ़ी लेट हो रहे हैं, तो अब मिलते हैं सीधा आपसे देहरादून में। अगर वहाँ कोई कैफ़े वगैरह दिखाई देगा तो आपको उसको हम डिटेलिंग सारा बताएंगे। टिल देन गुड बाय। भाई बहुत लेट हो गया है, रात हो गई है, और भाई देहरादून में आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो यार जा रहे थे जाते हैं तो मुझे आर्ट बहुत सही लगा। अब देखो अपनी कंपनी का टैगलाइन क्या है, बजट आपका डिज़ाइन हमारा। अब आप बताओ ये चीज़ जो है इसको हम बेसिकली, अभी तो ये डांडी मार्च दिखाया हुआ है, अब डांडी मार्च अगर यही थीम आपको अपने ड्राइंग रूम में किसी हॉल में या फॉयर एरिया में या लॉन्ज एरिया में चाहिए, तब इसमें कॉस्ट कटिंग कैसे होता है। देखो अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा स्टोन में कार्विंग है, बट ये स्टोन कार्विंग नहीं है। मैं पास से आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी, बेसिकली ये फाइबर है, फाइबर बोर्ड में कार्विंग आजकल होती है, अगर आपने देखा होगा ना शादी होती है तो वहाँ बड़े बड़े वो स्ट्रक्चर, टोम वाले स्ट्रक्चर बने रहते हैं, तो बेसिकली वो सब फाइबर से होता है, ये भी फाइबर है। इसका कॉस्टिंग जो चलता है वो 550 या 650 रुपये पर स्क्वायर फीट चलता है, जिसमें आप पिलर, आर्च, कॉलोनियल थीम या ऐसा कार्विंग करा सकते हो। स्टोन कार्विंग आपको पड़ेगा 1600-2000 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये आपको पड़ेगा सिर्फ 550 रुपये स्क्वायर फीट। तो ये भी डिज़ाइन और इंटीरियर पार्ट ऑफ, आप घर के बाहर फसाड में, क्योंकि इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और घर के अंदर भी करवा सकते हो। हम देहरादून में तो आ गए हैं, बट वाट लग गई है यार। अब चलते हैं, हमने अपने कैमरामैन के साथ संवाददाता मनीष सहरावत, बाय बाय। ए भाई, तो भाई पहुंच गए हम होटल कैलाश प्लाजा, और भाई चलो देखते हैं। और भाई यहाँ पे भी इंटीरियर है, ये बेसिकली एक्रिलिक के लेटर्स है, इधर CNC की जाली, देख रहे हो मैं वहाँ जहाँ जाता हूँ वहीं इंटीरियर एक्सटीरियर ही दिखाई देता है। तो भाई अब हम ये होटल पे आ चुके हैं, मैं बेसिकली इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने घर के अंदर क्या क्या करवा सकते हो वो बताता हूँ। तो सबसे पहले जब इंटर करते हैं, तो अगर आपने वीडियो देखी वाइट थीम इंटीरियर, तो सारी वॉल्स वाइट हैं और फ्लोर ग्रे है। अगर आप नोटिस करोगे तभी ये ग्रे की फ्लोर की फील तभी आएगी कि वाइट थीम इंटीरियर तभी सुंदर लगेगा। अगर फोर वॉल पर कोई और कलर हो गया, नीचे ये वाला कलर हो गया, तो भाई मतलब तुम्हारा इंटीरियर हो गया बर्बाद। इसे हम बोलते हैं ज़ेब्रा ब्लाइंड्स। अगर इसमें आप देखोगे ये हो गया ब्लाइंड्स ब्लैकआउट, थोड़ा सा और ऊपर करोगे तो थोड़ा पार्शियल हो जाएगा। उसके बाद भाई जो सबसे महंगी चीज़ होती है वो होती है ये, जिसे हम बोलते हैं
SS की गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिनिश, और ये है बेसिकली ब्रॉन्ज गोल्ड की फिनिश है, और ये उसके ऊपर स्टोन है इटालियन जो हाई एंड फिनिश करके डाला गया है, ग्लॉस है, और आई थिंक इसकी जो अकेले की कॉस्ट आएगी फ्रेम फ्रेम की वो करीब 18 से 19 हज़ार, और पत्थर ऊपर लगाओगे तो 6 हज़ार, तो 25 हज़ार की टेबल। फर्नीचर तो अब हमें पता है कहाँ से सस्ता मिलता है, तो यही फर्नीचर आपको 1 लाख में मिलेगा, और जहाँ से हम बताएंगे वहाँ से 30 से 40 हज़ार में मिल जाएगा भाई, हमें पता है यहाँ। बाकी बस पैटर्न्स अच्छे हैं, पेस्टल कलर्स है, फॉल सीलिंग है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, फॉल सीलिंग हमेशा सर्कुलर कराना। आजकल होता है ना वो बिल्कुल टेपर और राइट एंगल में बन जाता है, वो के बजाय अगर सर्कुलर में जाओगे, कर्व्ड में जाओगे, मैंने गलत बोल दिया, सर्कुलर नहीं कर्व्ड, मतलब जो एजिज है वो कर्व्ड होने चाहिए। ये कंसील्ड लाइट होती है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। अब यहाँ पे गलती क्या है, बेसिकली इस एरिया में जो मुझे गलती फील हो रही है, कंसील्ड लाइट तो लगी हुई है, बट ये कंसील्ड लाइट का मतलब क्या होता है, स्पॉटलाइट का मेन फोकस फर्नीचर को लाइट अप करना, ना कि जगह को। अगर इसकी असली लुक देखनी है तो इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे दिखाई देगा। ये देखो, अब ये पफी अकेला यहाँ पे ज़्यादा सुंदर लगेगा बजाय जो वहाँ अंधेरे में रखा हुआ था। अगर लाइट प्लेसमेंट की आपने फोटो देख वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर मैंने एक और लाइट डालते जिसमें एजिस से एजिस मिलते हैं, जो कि पैटर्न बहुत सुंदर है, फोटो में दिखाते हैं। ये फोटो देख रहे हो, अगर अभी देखोगे दीवार में ना थोड़े से अंडुलेशन है दिखाई दे रहे हैं, ये दीवार में ना थोड़ी लहर सी दिखाई दे रही है, तो अगर वो दो लाइट जाते ना तो आपका फोकस लाइट पे जाता ना कि दीवार पे, तो इसलिए बहुत सुंदर लगता है ये। अब चलते हैं हम अपने सेकंड फ्लोर पे, आपको दिखाते हैं रूम का इंटर, और ये पत्थर लगा हुआ है बेसिकली, ये अगर लकड़ी लगा के पैनलिंग करते ज़्यादा बेटर लगता, ये इसे पी वाइट पत्थर बोलते हैं। तो मैं लिफ्ट में आ गया, और ये नीचे से लगा हुआ है, ये विनाइल फ्लोरिंग जिसके जो हालात हैं वो बिगड़ चुके हैं, और ये उखड़ के आ चुकी है, और ये उखड़ी इसलिए क्योंकि 0.8 mm की थिकनेस की है, अगर ये 1.2 होती क्योंकि कमर्शियल यूज़ है, 1.2 mm होता तो ज़्यादा अच्छे से लगी रहती और 10-12 साल चलता। अब बेसिकली जो मैंने बताता हूँ यार, घर में अगर सुंदर बनाना है ना भाई, तो घर सुंदर बनाने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, लाइट्स और वाइट कलर, दैट्स इट। कुछ करानी होती है, लाइट की प्लेसमेंट अच्छी कर दी ना तो घर वैसे सुंदर हो जाएगा। अब ये रूम देख रहे हो, कुछ नहीं हो रखा है इसमें, सिंपल वाइट पेंट है, लेकिन लाइट की प्लेसमेंट, वीडियो ज़रूर देखो कौन कौन सी जो मैं बताता हूँ, अगर इंटीरियर में पूरा मास्टर होना है, फॉल सीलिंग कैसे करनी है, डिज़ाइन, लाइट्स की प्लेसमेंट और कलर, वाइट थीम इंटीरियर, ये चार वीडियो देख लो, खुद इंटीरियर कर लोगे, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये देख रहे हो बेसिकली वाइट थीम डाला है। अब लाइट दो टाइप की होती है, जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी, COB और सरफेस लाइट आपके लिए बोल देता हूँ, SLD तो आप समझोगे नहीं। ये देखो, अब यहाँ पे बेसिकली देख रहे हो मैं लाइट अप हो रहा हूँ, तो एक इंटीरियर डेकोरेटर के हाथ में होता है कि आपको किस चीज़ को दिखाना है, किस चीज़ को छुपाना है। अभी देख रहे हो ये लाइट दरवाजे में पड़ रही है, दरवाज़ा लाइट अप हो गया। अब ऊपर की दीवार अगर गंदी भी है तो किसी को पता चलने वाला है नहीं। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये प्रॉपर्टी आई थिंक ज़्यादा पुरानी नहीं है, 3 से 4 साल पुरानी है। दरवाजों की फिनिश देख रहे हो, कई लोगों ने पूछा था वीडियो में कि दरवाजे कैसे लें, ये देखो ना यार, लैमिनेटेड फिनिश है, नॉर्मल 9,000 में 8,000 में दरवाज़ा रेडी हो जाएगा, बोर्ड 35 mm का डोर फ्लश डोर खरीदो, लैमिनेट चिपका, देखो कितना सुंदर लग रहा है, वो चीज़ करनी है आपको। ये कलर बहुत प्यारा है, अगर लाउड कलर आप डालना चाहते हो। अब देख रहे हो जैसे जैसे लाइट है, इतना हिस्सा COB कवर करती है, बाकी हिस्सा अंधेरे में छोड़ देती है, इसलिए कैफेज़ में, डोमिनोज में, होटल्स में जाओगे तो COB लाइट लगती है, कि चीज़ें लिट अप रहे, लाइट सूदिंग रहे। अच्छा, अब कमेंट करके बताओ जिस जिसने मेरी वीडियो देखोगी कि कौन सी लाइट सबसे बेटर है, जो मैंने बहुत पहले डाली थी, वार्म वाइट, कूल वाइट, नेचुरल, पहले तो बताओ कौन सी लाइट है और कौन सी लाइट बेस्ट रहती है घर के अंदर। अपन चलते हैं अब रूम में, हमने दो रूम लिया, मैं दोनों का रूम आपको दिखा देता हूँ। और अगर नीचे जो इसमें फ्लोरिंग हो रखी है, मेरी फेवरेट कलर की फ्लोरिंग है, जिसमें ब्लू कलर का टिंज है और बेस कलर ग्रे है, तो 3 कलर है इसमें, ब्लू, ग्रे एंड वाइट, मेरा फेवरेट है। तो भाई अब आ गए हम रूम के अंदर। अब देखो, ये देख रहे हो परफेक्ट टाइलिंग है, वुड का पैनल है, एक और दिखाऊंगा, ये वुड का पैनल अच्छा लग रहा है मेरे को, लाइट शेड में है, पेस्टल कलर में है, क्योंकि वुड का फील है, तो बेसिकली ग्रे वुड वाइट या ग्रे वुड ग्रीन हमेशा चलता ही चलता है, बट अगर ये रग का कलर पिंक की जगह कुछ और होता तो थोड़ा सा बेटर लगता। कर्टेन्स, या परफेक्टली, बहुत प्यारे कर्टेन्स है, देख रहे हो फैब्रिक फिनिश में, फूल पत्ती वाला जमाना गया यार, फूल पत्ती वाले कर्टेन मत लिया करो, इसे बोलते हैं शीयर। फायदा क्या होता है, जो धूप होती है ना सीधा आंखों में चुभती है तो अच्छा नहीं लगता, जब इसके थ्रू लाइट फिल्टर होके आती है तो भाई साहब रूम ऐसा खिल के आता है, नेचुरल वाइट अपने आप कन्वर्ट हो जाती है शीयर की वजह से। और बाकी तो सब सॉर्टेड है, इसमें ऐसा कुछ खास बताने की जरूरत है नहीं। बाकी शीशा घर अंदर रखो फुल लेंथ मिरर के, कई लोगों को होता है कि यार कि मिरर कैसे मिले, तो बेसिकली ये मिरर यहाँ दिया है, वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है, कोई भी सो के उठेगा पता चला हम ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं सुबह, और आप थोड़ा सा पार्टी से ज़्यादा एंजॉय करके तो खुद की शक्ल देख के डर जाएं, तो इसलिए वास्तु के हिसाब से ये नहीं है। ये अगर शीशा आप चाहो अपने घर के अंदर तो या तो इस फेस पे देना या उस फेस पे दे देना, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बजाय साइड में नहीं आए। तो इसमें तो ये है, और इस रूम का साइज़ मैं बता देता हूँ अगर आपको चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 12,
एक दो तीन चार पाँच छः, छः दूनी बारह, ये 12x12 का साइज़ है। एक बार हम 360 डिग्री व्यू आपको दिखाते हैं पूरा गोल घूम के, तब ये वाइड एंगल मोड में आपको दिखाते हैं। ये 12x12 का रूम है, प्लेसमेंट अच्छा निकाला है, इसी में टी यूनिट हो गया। अब चलो एक इतनी चीज़ है तो और एक टेक्निकल चीज़ दिखा देते हैं। तो इसमें लगी हुई है हमारी नॉर्मल MCB पैनल, C32 हमेशा घरों के लिए, C सीरीज़ होती है हमेशा याद रखना, C सीरीज़ की लगानी है। अब ये 32-25 ये आपका बिजली वाला बताएगा क्योंकि लोड के हिसाब से होता है। ये मेन वाली है जिसे कराएंगे सब हो जाएगा। ये AC लिखा हुआ है तो AC की अलग से है, और ये हमारी शायद RCCB है, इस पर लिखा नहीं है 300 mA, पर ये शायद RCCB ही लगी हुई है। RCCB के लिए ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि घर के अंदर बिजली का काम कराने से पहले क्या चीज़ें चेक करनी है, मेक श्योर वो देख लो, क्योंकि ये सेफ्टी से रिलेटेड है भाई, सेफ्टी को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पेंट खराब हो गया चल जाएगा, बिजली की तार खराब हो गई तो आग ही लग जाएगी। और ये टीवी यूनिट है देख लो, लैमिनेट पैनलिंग है, जो दरवाजे पे हो रखी है लैमिनेट वही लैमिनेट इस पे है। सूदिंग कलर है, 0.8 mm में। अगर ये टीवी यूनिट की कॉस्ट बताऊँ, इसका साइज बता देता हूँ पहले, ये 4x7.5 फुट का है। इसकी कॉस्ट आपको पास बैठे करीब करीब 30-35 हज़ार के आसपास मैक्सिमम है, इससे कम ही बन जाएगा वैसे। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मजे में रहो। गुड नाइट।